हेलो स्कॉर्पियोज, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए अक्टूबर 2020 की लव टैरो रीडिंग। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं या आपने अभी तक ये चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है, वीडियोस आपके साथ रेजोनेट करते हैं, आपको ये वीडियोस पसंद हैं, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और चलिए जी स्कॉर्पियोज, देखते हैं कि अक्टूबर मंथ आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे तीन सेट ऑफ कार्ड्स हैं। सबसे पहले में हम देखेंगे कि आपकी क्या एनर्जीज हैं, दूसरे सेट में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, तीसरे सेट में हम देखेंगे कि फाइनली अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करें स्कॉर्पियोज। इनफैक्ट यू नो, रीडिंग शुरू करने से पहले एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा इस रीडिंग में दिख रही है कि इसमें बहुत सारे मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं, और जब भी मेजर आर्काना के कार्ड्स ज़्यादा आते हैं रीडिंग में, तो हम कहते हैं जो भी इवेंट्स हो रहे हैं ये प्री डेस्टिन हैं। इन इवेंट्स के ऊपर बियॉन्ड द पॉइंट हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, और कुछ ऐसा ही आप लोगों के लिए दिख रहा है। मेजर चेंजेस अक्टूबर मंथ में रह सकते हैं, या अगेन मैं कहूँगी कि कुछ मेजर चीज़ें होने वाली हैं, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकती है। और आपसे शुरू करते हैं स्कॉर्पियोज। तो आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है नाइन ऑफ पेंटिकल्स, और उसके नीचे है ट्रांसफॉर्मेशन। नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे कह रहा है स्कॉर्पियोज की अगर अभी तक आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंड कर रहे थे इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, तो कहीं अक्टूबर स्टार्टिंग में आपको ऐसी फीलिंग हो सकती है कि बस भाई अब और मुझे किसी भी चीज़ के लिए डिपेंड नहीं करना है, मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। और कहीं अक्टूबर स्टार्टिंग में बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से अपनी डिग्निटी को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आप मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं, अपने ऊपर फोकस करते हुए दिख रहे हैं, और इसी से रिलेटेड कुछ मेजर चेंजेस आप अपने अंदर, अपनी लाइफ के अंदर लाने के ऊपर फोकस कर रहे हैं। कुछ लोग एफर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं, और यहाँ पे इंट्यूशन का भी कार्ड है। तो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं, अपनी इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग को बहुत ज़्यादा फॉलो करने की सोच सकते हैं या फिर कर सकते हैं। लेकिन जैसे हम अक्टूबर में आगे जाते हैं, यहाँ पे डेथ का कार्ड मुझे कहता है कि जैसा आप चाह रहे हैं वैसा नहीं कर पा रहे हैं। कुछ पुरानी चीज़ें, कुछ पुरानी बातें इतनी ज़्यादा आपके माइंड में हैं, इतना गहरा इम्पैक्ट है कि आप उनको नहीं अपने माइंड से निकाल पा रहे हैं। वो कुछ भी हो सकता है, सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए कोई पुराना रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए इसी रिलेशनशिप में कुछ पुरानी ऐसी बातें हो सकती हैं जिनको लेट गो ही नहीं कर पाते हैं, भूल ही नहीं पाते हैं, और उसी वजह से कहीं मुझे दिख रहा है कि आप परेशान भी किसी लेवल पर होते हैं। यहाँ पर डेस्टिनी का कार्ड मुझे कह रहा है कि बहुत सारे लोग ये कह सकते हैं कि भाई हमारी तो किस्मत ही अच्छी नहीं है, या हमारी किस्मत में ही ये चीज़ नहीं है, या डेस्टिनी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें छोड़ के, अगेन मैं कहूँगी, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को एंड करके एक नई बिगनिंग करना चाहते हैं, बट यू नो, अगेन मैं कहूँगी कि पुरानी चीज़ों को आप नहीं छोड़ पा रहे हैं। कुछ चीज़ों को लेके आपके बिलीफ सिस्टम्स बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं, और बिलीफ सिस्टम हमेशा ही गलत नहीं होते, कभी अच्छे होते हैं, कभी गलत भी होते हैं। तो यहाँ पे आपको चेक भी करने की ज़रूरत है कि क्या बिलीफ सिस्टम्स हैं आपके फेवर में काम कर रहे हैं, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस ला रहे हैं या परेशानी ला रहे हैं। और अगर परेशानी ला रहे हैं तो ज़रूर उसको चेक करें। और कहीं यू नो, बाय द एंड ऑफ अक्टूबर, यहाँ पर सिक्स ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है, आप फिर से एक नीड, एक ज़रूरत अपने पार्टनर की महसूस कर सकते हैं। कुछ लोग लिटरली अपने पार्टनर को बात करने के लिए बेग कर सकते हैं, मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक बेगर है और दूसरा देने वाला है, तो यू नो, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स है तो आपकी ये वाली एनर्जीज मुझे ज़्यादा दिख रही हैं, बेगर वाली। अगेन मैं कहूँगी कुछ लोग हो सकता है लिटरली कह रहे हैं अपने पार्टनर से ये बातें, और कुछ लोग बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, इंट्यूटिवली चलना चाह रहे हैं लेकिन नहीं चल पा रहे हैं। और आपके पार्टनर के लिए देखें स्कॉर्पियोज की क्या एनर्जीज हैं।
तो उनके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है फोर ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे बोल रहा है कि आपके पार्टनर अक्टूबर मंथ में बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव, बहुत ज़्यादा नहीं मैं कहूँगी कि बिल्कुल भी इनिशिएटिव्स लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल भी किसी चीज़ के लिए एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, विड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं। अगेन, जिस भी लेवल पे आपका रिलेशनशिप है उसी लेवल से ये हम विड्रॉल या ये वाली एनर्जीज को हम देखेंगे। इन अदर वर्ड्स मैं कहूँगी कि कुछ भी आपके पार्टनर की तरफ से मुझे नहीं दिख रहा है, और इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। यहाँ पे शैडो का कार्ड मुझे कह रहा है कि उनके मन में बहुत सारे फियर्स हैं, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं, ये उनके पास्ट रिलेशनशिप से हो सकती हैं या करंट किसी सिचुएशन की वजह से हो सकती हैं, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके घर का माहौल ठीक नहीं है, उनके घर का या उनका जो एनवायरनमेंट है वो इतना सपोर्टिव नहीं है जहाँ पे वो कुछ भी इनिशिएटिव लें या कुछ भी एक्शन लें या जो भी यू नो एक रिलेशनशिप में होना चाहिए वैसे करें। और कुछ स्कॉर्पियोज के लिए, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ लेकिन बहुत सारे स्कॉर्पियोज के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर की इंटेंशन कोई बहुत ग्रेट नहीं है, कहीं वो अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, सेल्फ सेंटर्ड ज़्यादा हो रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए फाइव ऑफ सोर्ड्स के नीचे विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड है, तो उनके लिए इमोशंस कम लेकिन यू नो एक जीत हार की बात ज़्यादा है इस रिलेशनशिप में। विक्ट्री, सक्सेस पाना, हासिल करने का एक यू नो इंटेंशन या फीलिंग ज़्यादा है। और अगेन ये कार्ड कहीं कहता है कि उनको भी ऐसा लग सकता है कि भाई आपकी तरफ से जो वो डिज़र्व करते हैं उनको नहीं मिल रहा। कुछ स्कॉर्पियोज़ के लिए ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि अक्टूबर स्टार्टिंग में आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो इस चीज़ को वो नेगेटिवली भी इंटरप्रेट कर सकते हैं। बट ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि एक आर्ग्यूमेंटेटिव बिहेवियर है उनका, एक यू नो सरकास्टिक हो रहे हैं, या अगेन मैं कहूँगी जीत हार के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा एक लड़ाई या वॉर है। और यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स एंड न्यू बिगनिंग्स का कार्ड है, अक्टूबर एंड तक चीज़ों को लेके बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं, बहुत सारे स्कॉर्पियोज के पार्टनर बहुत लो भी फील कर सकते हैं, डिप्रेसिंग एनर्जीज दिख रही हैं। नीचे यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स का कार्ड मुझे कह रहा है किसी तरीके की नई बिगनिंग अपनी लाइफ में या इस रिलेशनशिप में लाने की सोच सकते हैं। बट अगेन मैं बोलूँगी स्कॉर्पियोज, जो एक एफर्ट्स, जो एक इनिशिएटिव्स रिक्वायर्ड हैं, जो एक चीज़ करने की ज़रूरत है इन नई बिगनिंग्स के लिए, वो कहीं करते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो इन ऑल अगर मैं देखूँ तो आपके पार्टनर की एनर्जीज बहुत ग्रेट नहीं दिख रही हैं, इनफैक्ट मैं कहूँगी कि बहुत नेगेटिव ही दिख रही हैं। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखें। और अगर हम देखें कि अक्टूबर मंथ में क्या हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है जस्टिस। जस्टिस यहाँ पे दो तीन चीज़ें कहता है। एक चीज़, जो चीज़ इस रिलेशनशिप में होनी चाहिए या जो आप डिज़र्व करते हैं वो आपको नहीं मिल रहा है, आपके साथ किसी तरीके से या इस रिलेशनशिप में किसी तरीके का इनजस्टिस हो रहा है। और जस्टिस कार्ड कहीं ये भी कहता है कि आपको यू नो एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है, एक हार्श डिसीजन लेने की ज़रूरत है। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, चीज़ें बहुत क्लियर हैं बट फिर भी शायद आप देख के भी अनदेखा कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे टू ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली बोलता है कि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं चीज़ों को, आप सुन के अनसुना कर रहे हैं। तो ये दोनों ही कार्ड्स यू नो बहुत स्ट्रांग मैसेज देते हैं कि अगेन मैं कहूँगी एक्सेप्टेंस लाने की ज़रूरत है, अपना स्टैंड लेके एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है, डिसाइड करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे नीचे पेशेंस का कार्ड मुझे कह रहा है कि भाई अगर आप इस रिलेशनशिप में जाते जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखनी पड़ेगी। कहीं अक्टूबर मंथ में अगेन यू नो आपको सब्र से ही काम लेना पड़ेगा, या मैं कहूँगी कि कुछ खास होता हुआ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे मेक द एफर्ट का कार्ड है, तो कुछ लोगों को लग सकता है भाई कभी तो उनके पार्टनर एफर्ट लें, कभी तो उनकी तरफ से भी कोई इनिशिएटिव हो, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। मुझे कहता है कि बहुत सारे लोग सोच सकते हैं भाई इतने सारे चांसेस दे दिए अभी भी कुछ नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे गिव योर रिलेशनशिप अ चांस के नीचे टेन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है कि कोई भी चांस दिया तो उससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला। और कहीं टेन ऑफ सोर्ड्स भी कहता है कि कुछ चीज़ों को एंड करके एक नई बिगनिंग करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये रिलेशनशिप एंड करके नए तरीके से अपनी लाइफ में
अपनी जिंदगी को स्टार्ट करने की जरूरत है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस रिलेशनशिप में कुछ चीजें एंड करने की जरूरत है। नीचे सॉलिट्यूड का कार्ड मुझे कह रहा है कि या तो आप बहुत ज्यादा एक अकेलापन महसूस कर सकते हैं, या आप चाह सकते हैं, या इस रिलेशनशिप में एक अकेलापन है। अब ज़रूरी नहीं है कि सबके रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया है। कई बार रिलेशनशिप में होते हुए भी हम एक अकेलापन महसूस करते हैं, तो कहीं वैसी सी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो अकेले रहना चाह रहे हैं, अपने साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। और अगर ऐसा है स्कॉर्पियोज, तो मैं आपको कहूँगी कि बहुत अच्छी बात है। कभी कभी हमें थोड़ा सा विड्रॉ करके अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, सोचना चाहिए हमें क्या चाहिए, हमें क्या मिल रहा है, और क्या हमारा बेस्ट फुट फॉरवर्ड होना चाहिए, किस तरीके से हमें चीज़ों को डील करना चाहिए। यहाँ पे भी देखिए रेस्ट और रिजुविनेट का कार्ड है, और ये कार्ड भी कहता है कि थोड़ा सा आपको पॉज लेना चाहिए, आराम करना चाहिए। हो सकता है बहुत सारे स्कॉर्पियोज ऐसा कर भी रहे हों, और कार्ड भी आपको यही कह रहे हैं कि अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर करें, अपनी एनर्जीज को रिजुविनेट करें, आराम करें, बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स ना लें। और यहाँ पे देखिए सिक्स ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है, जो भी लोग अपने पार्टनर से किसी भी चीज़ की उम्मीद रख रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं, डिमांड्स कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप अक्टूबर मंथ में ना करें, क्योंकि फिर आप मायूस ही होंगे, परेशान होंगे, और उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि प्यार मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है, और हम ज़्यादा प्यार करेंगे तो हमारे पार्टनर हमको समझेंगे और हमको पॉजिटिव रिस्पांस देंगे। ऐसा नहीं होता है। ज़्यादा चीनी डालने से गाजर का हलवा बेहतर नहीं होता है, ज़्यादा नमक डालने से आपका खाना टेस्टी नहीं बनता है, ऐसे ही ज़्यादा प्यार, ज़्यादा केयर करने से आपका रिलेशनशिप बेटर नहीं होता बल्कि ख़राब होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, अपने ऊपर फोकस करें, अपना ख्याल रखें। यहाँ पे देखिए अपने ऊपर फोकस करने के लिए मेरे पास 2-3 कार्ड्स हैं, एक रेस्ट और रिजुविनेट का भी है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आप लोगों के लिए है स्कॉर्पियोज, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस अपने पार्टनर से अपने रिलेशनशिप में ना रखें, और अपने पार्टनर को थोड़ा सा स्पेस दें, उनको अपने साथ टाइम स्पेंड करने दें। जब तक वो आपके पास नहीं आते और आपको नहीं बोलते कि वो इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, मैं आपको यही अगेन फिर से सजेस्ट करूँगी कि आप ना जाएं, अपने ऊपर फोकस करें। तो ये थी स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए अक्टूबर 2020 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपका आंसर मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।